दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल पे। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में फंसते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। करीब 200 क्वेश्चन है, चाहे आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर आप UP SSC लोअर PCS की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको बता दूँ करीब 200 क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इसकी एक बार तैयारी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो क्लियर करने में बहुत आसानी देगा। आप क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि ये इंपॉर्टेंट कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया हुआ है। तो आपको बता दें, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लेट के, और मैं आपको पूरे 200 क्वेश्चंस की एक बार समरी दे देता हूँ, समरी एक बार आप रिविजन करा देता हूँ आपको। छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों उससे पहले कि आप अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए जानते हैं कि क्या है 200 क्वेश्चंस, और 200 इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वेन किंग्स ने, वेन किंग किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। पृथ्वी का राष्ट्रीय पुष्प भारत माफी चाहेंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? कमल है। धनराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथा नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाह का सही क्रम है? तो आपको बता दें, मुगल बादशाह का जो ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो उत्तर है, सबसे पहला था बाबर, उसके बाद हुमायूं आया, फिर शेरशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शिख्यार, रफ़ी उल दरजत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर आलमगीरी द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये एक क्रम है जो कि मुगल बादशाहों का सही क्रम, इसको आप कह सकते हैं ये कि एक क्रम जो है ये मुगल बादशाहों की किस तरह से वो लोग अपनी गद्दी पे संभाले। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो थे विनोबा भावे जी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित थे? तो उत्तर है नृत्य। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ले जो लेखक है वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें, यहाँ पर श्रीलंका का जो मुद्रा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, तो आपको बता दूं कि ये जो श्रीलंका का रुपया है ये भारत के 39 पैसे, यानी 1 रुपये जो श्रीलंका के वो भारत के 39 पैसे के बराबर के करीब होता है, और ये इसे श्रीलंकाई रुपए बोलते हैं, श्रीलंका रुपया इसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये जो श्रीलंका का रुपया है, अगर जैसे कि कोई भी भारत में आप कुछ सामान खरीदते हैं तो वो अगर श्रीलंका का व्यक्ति है तो उसे भारत में वो चीज़ कॉस्टली पड़ता है, जैसे कि हमारे लिए अमेरिका और बाकी कंट्रीज में पड़ता है उसी तरह। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लक्षद्वीप की राजधानी है करवती, माफी चाहेंगे। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के द्वारा, प्रशिक्षक से। खुजराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थिति है देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 अंश और 30 मिनट के पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल।
भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर संबंधित है, बाप बेटा है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग है? पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है का तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैली है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण स्वरूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क काफ़ी जो है पॉपुलर है क्योंकि सार्क से रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ चर्चा में रहा है और इसमें कि भारत ने सार्क भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क के कंट्रीज को ना बुला के उन्होंने बिस्टिक को बुलाया था जिसमें कि पाकिस्तान सम्मिलित नहीं था। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 ईस्वी में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के द्वारा शासनकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले ने। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? करीब 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप हैं? आपको बता दें महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? करीब 15 डिग्री। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किस स्थानों के बीच प्रथम रेलवे जो है शुरू की थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना के कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण होता है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऋतुएं किन किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? वहिर्मंडल। DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अलखा रखा किस वाद्यंत्र के लिए मशहूर थी? बता दें तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफंटा। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है आपको बता दें काली मिट्टी है। प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया जो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा।
हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो होता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण के द्वारा ये सब भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेल जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी रेलवे के अंदर आता है। भारत की किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटका में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। विश्व विख्यात काव्य महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का अधिकारी पद है, थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो होती है 2-6, मतलब 2 और 6 के बीच में उनकी जो है लंबाई होती है। आप बोल सकते हो कि 2 और 6 जो उनके बीच का नैरो गज होता है, उनकी चौड़ाई होती है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल। चंडीगढ़ रॉक गार्डन किसने बनाया था, नेक चंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तवी नदी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, टोक्यो। किस देश की में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं, मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे लंबा पशु है, जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तेंजिंग नोरगे, माफी चाहें। आगे बढ़ते हैं, आपसे बता दें कि 116वां में हम लोग चल रहे हैं। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस की साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 के विद्रोह है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में स्थापित किया गया, स्वामी विवेकानंद के। माओत्सेंग तुंग संबंधित है, चीन से हैं, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो कि वो चीन से संबंधित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, अमृतसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सिख धर्म की स्थापना कौन की थी, गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली गई, चली थी 16 अप्रैल 1853 में। भारत में सबसे लंबी सड़क है, जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, सरदार भगत सिंह। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो वह है बिहार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, 142वां देखा जाए तो 142वां है। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है, ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार कितने हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, तो 8 हैं। भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई यानी DLW इसको बोला जाता है, वह डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, वो वाराणसी में है। वैशाखी त्यौहार किस धर्म से मनाया जाता है, सिख धर्म के लिए। शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की। आगे बढ़ें,
मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी राष्ट्र नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी जो है पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है। अंजू बॉबी आप ये जानती है कि जहाँ पर भी सूखा ग्रस्त इलाका रहेगा, जहाँ पर भी रेगिस्तान, वहाँ की पत्तियाँ जो पौधे गिरेगी वो छोटी रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर उस नमी की कमी होती है। छोटी पत्तियों होने से वो उस प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो जाता है और जो नमी है उनकी बरकरार रहती है। कौन सी अंबु यहाँ पर थे हम लोग 155वां। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। किस कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ए ओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किया था? शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो वो है लोथल में। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर के। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य है? 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है असम है। कंचनगंगा यहाँ पर जंगा होना चाहिए, कंचनगंगा पर्वत शिखर स्थित है तो यहाँ पर लिखा गया है वो है सिक्किम में। सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह है फरुखुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐ वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखने वाले किसने लिखा है? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं? एक होता है। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियान। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जेजे थॉमसन ने। असमिया भाषा में मुद्रा प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी है माजुली। असम के किस जिले में स्थित है? तो वह है पातालपुरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो थी शम्म उद दिन इल्तुतमिश की। मंदिरों के पुड़े पुड़े भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो YB चौहान। भारत का मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शोक नदी के नाम से जाता है कोसी नदी को जाना जाता है शोक नदी के शोक किस नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को हम लोग शोक नदी के नाम से जाना जाता है जो कि बिहार में है। तो दोस्तों आपको आपने देखा करीब 200 जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हो उन सब में ये चीज़ पूछा ही पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 200% थे जो कि मैं आपको लेके आया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अपने राय हमें कमेंट में दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आने वाले समय में भी आपके लिए कई अपडेट्स जो है, कई इन्फॉर्मेशन सिर्फ जीके ही नहीं, रीजनिंग एप्टीट्यूड, बाकी भी क्लासेस हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह लेके आते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था जीके के क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर किसी नए आपसे जानकारी के साथ। अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।